गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं नित्या जी के घर, उनके यहाँ कुछ फेस्टिवल है। साउथ फेस्टिवल है ओनम। जो साउथ के होंगे वो समझ रहे होंगे, अपन लोग तो नहीं समझते हैं। तो देवयानी चौपे करेंगी ये वाली साड़ी वेयर। हाँ, और उन्होंने बोला है कि मतलब ड्रेस कोड रखा है कि ना साड़ी पहन कर ही आए वरना खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, मजाक कर रहा है। बस उन्होंने इतना सा बोला कि ड्रेस कोड है साड़ी, तो प्लीज आप लोग साड़ी पहन के आना। उन साउथ इंडियन तो गजरा मजरा लगा के साउथ इंडियन साड़ी, तो ट्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। ये लोग, हम पहली बार ये साउथ इंडियन बनेंगे और ये भी चलेंगे साथ में। तो अब हम लोग रेडी होते हैं और मिलते हैं साउथ इंडियन लुक के साथ रेडी होकर। ये साड़ी हमारी गजरा था, तैयार होते हैं। ये इयर रिंग और ये है गजरा, तो रेडी होते हैं। फाइनली तैयार हो चुके हैं और बन चुका है साउथ इंडियन लुक। मतलब हमें इतना पसंद नहीं है ये लुक, पर ठीक है, अच्छा हर टाइप का। खाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे कौरा वगरा वाला लुक है ये, आपने देखी होगी पुष्पा मूवी में जो वो लोग थे, शायद साउथ इंडियन थे, वो ऐसे ही लुक रखते थे। तो जैसे ही खाना खाएंगे तुरंत ये चेंज कर लेंगे, साथ में कपड़े रख के लिए जा रहे हैं। तो रेडी हो चुके और आपने देख लिया है, अब दिखाते हैं हम आपको सेकेंड लुक ये। तो हम दोनों साउथ इंडियन में रेडी हो चुके हैं, गजरा मजरा लगा के रेडी हो चुके हैं और अब जाते हैं खाना खाने। तुरंत चेंज कर लेंगे, खाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है, हमने सरप्राइज खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था और देखते हैं कैसा रहता है। हमने आज तक केले के पत्ते पे खाना नहीं खाया है, पर साउथ इंडियन में सब इनने खाया है। हमारे दादाजी के राज में, हमारे दादाजी जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो थे। तो वो बहुत ज्यादा एकदम शुद्ध घी दूध और इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। तो शुद्ध शुद्ध मतलब पत्ते पे भी उन्होंने खा लिया होगा खाना, हमारी दादाजी से इतनी नहीं बनती। तो हमको नहीं पता, बहुत गुस्सा करते थे और हम गुस्सा करने वाले लोगों से बहुत डरते हैं, दूर दूर भागते थे, इसलिए हमने कभी उनका सामना नहीं कर पाए। अब चलते हैं नित्या दी के घर। आपको स्टोरी कैसी लगी? आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। इसका गजरा तीन बार हाथ में आ गया है, ऐसे निकल के आ जाता है हाथ में। सोच रहा खाना तक रुक जा। तीन बार इनका गजरा हाथ में आ गया और हमने कपड़े डालने जी लगाए। हमने गजरा लगा लो। अब जा रहे हैं हम लोग फाइनली। रुक जाओ थोड़ी, साड़ी का पल्ला पल्लू निकल रहा है अंदर। A few moments later. तैयारी लगी हुई है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये तो देखा ही नहीं कितना सारा सामान लाइन से जमाया, नंबर बाई नंबर। हाँ, हमें इसका बताएं, चावल और इस इतने सारा सामान है इसमें। ये खीर है, ये पायसम है, ये सांबर है, ये चावल है, ये केले हैं, ये पकौड़े हैं, ये केले की चिप्स है, ये अभियल क्या अभियल अभियल है, और ये कोरियर पूरी, ये पोहा, बंद गोभी की सब्जी, ये वाली कौन सी लेते हैं?
कोरियो ओरियो कोरियो जो भी है ये वो है। और ये गाजर का हलवा ये टमाटर चटनी। अच्छा ये टमाटर चटनी है। ये देखिए इतना सारा सामान। मिस्टर अभियर ये खाना रेडी हो चुका है और ये थाली को रखने का खाना कैसे रखना है कहाँ कहाँ ये भी सिस्टम होता है। हैप्पी होना। खाना रेडी हो चुका है अब हम लोग खाना खाएंगे और अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये न्यू फेस्टिवल मना रहे हैं हम लोग पहली बार। आप लोगों में से कितने लोग ये मनाते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जो जो साउथ इंडियन से हैं। बाकी हम लोग खाना टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। क्या खाना सबसे पहले मीठा मीठा ओणम जो है केरल का त्योहार है ये। हाँ। केरल में मनाया जाता है। ये साउथ में जो केरल हमारा पड़ता है उसका ये ओणम जो है फेस्टिवल है। सबसे टेस्टी इसमें जो चटनी है वो बहुत क्लासिक चटनी है। बहुत मजा आया चटनी में। चटनी अपन बिना ओणम के भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बता दो डिम्पी चटनी के। पता नहीं है क्या क्या है इसमें पर टमाटर है शायद। टमाटर है नमक है और मिर्ची है। मीठा नहीं है। बाकी आप बताओ। आप कड़ी पत्ता सरसों। अच्छा बहुत टेस्टी लग रही है। इसमें बता सकते हैं क्या है चावल है। वाह वाह ग्रेट। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी और भी हम बहुत चीजें बना सकते हैं। आप लोगों से ज्ञान सहन ना होगा इतना नहीं सह जाएंगे। अच्छा साबूदाना था। ये साबूदाना है। अच्छा पायसम में है ना। हाँ अच्छा। उसको दूध और हमारी अनन्या ने बता दिया दूध और सेवैया है। सेवैया और एक और चीज तो किसी का ध्यान नहीं गया कि सबसे पहले सर्व हुई थी ये नमक है साल कहाँ भेजना चाहिए। कौन बनेगा नमक का बता दी। जोन में जीतेंगे जो फ्रॉड बोल नहीं आते केबीसी नमक जिस लाइन में। खाना कंप्लीट हो चुका है और ये बस पत्तल को कैसे पलटते हैं हम आपको दिखाते हैं ऐसे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं बाल ही नहीं पहले का निकाल के हाथों में ले लिए। कहाँ छुप रही है दिखाओ अपना गजरा। और अब हम लोग घर जा रहे हैं तो अभी उनसे बाय करते हैं। बाय बोलो कैंड घर जाके करेंगे। साड़ी के नीचे इतनी फैंसी चप्पल है मेरी देखिए। चप्पल है फ्लाइट की ट्रेन की नहीं है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। साड़ी के नीचे छुप जाती है। तो आ चुके हैं हम लोग देख रहे हैं गजरा हाथों में। ओरे रे साड़ी और इतनी फैंसी चप्पल गिरा गिरा दे।
हम लोग पहुंच चुके हैं घर और चेंज कर लिए। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा लगा था कि कोई चादर लपेटे हो, बहुत अजीब सा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। कितने टाइम कंटिन्यू साड़ी पहन लेते हैं और साउथ इंडियन लोगों के लिए सब साड़ी को सब ऐसे ही पहनते हैं। गजरा, अरे गजरा फजरा दुनिया भर के नाटक ऐसा लग रहा था ना। हाँ, और ऊपर से गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा फील। खाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, पेट भूखे पापी पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना। बहुत बड़े तीर मारे तुमने। साड़ी पहनी हमने, बहुत सही। और कितने एक दो दो तीन घंटे तक स्टोरी बनाई, गजरा लेने का फिर गजरा पहना है। हाँ, मेहनत देखो हमारी, मेहनत डबल डबल मेहनत। किसी को मेहनत नहीं दिखती, पसीने आ गए मेहनत करते करते। हाँ, आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बता देना। बढ़िया लगा, अभी यही कमेंट कर दे रहे हमसे। आप सब लोगों के लिए कैसा लगा, जाने से पहले सब्सक्राइब करना। बताओ भाई, बताओ बता देना। मानू तो बता देना, बहुत सारी स्टोरी हमने स्किप रखी है, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। हाँ, कुछ स्टोरी है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। हम लोग अभी चुप है क्योंकि आप लोग डर ना जाओ। नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करेंगे कि आपके साथ शेयर करें कुछ घटनाएं। अभी नहीं बताएंगे अभी नहीं। सुरक्षित रहे, सावधान रहे, आप समझ गए। सुरक्षित और सावधान रहे। और अब हम लोग ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।